हेलो मेरे प्यार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओ पी पाल लीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सातवां दिन। और आज सातवें दिन को हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ वांट, यानी वांट माने होता है चाहना। और ये एक मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब होते हुए भी ये बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों, वांट माने होता है चाहना। तो चाहना यानी कि उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की लेने की इच्छा हो या फिर करने की इच्छा हो, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। जैसे मैं खाना चाहता हूँ, आप लोग आना चाहते हैं, वे लोग दौड़ना चाहते हैं, हम लोग रोना चाहते हैं, वह पढ़ना चाहता है, तुम खाना चाहते हो, तुम खेलना चाहते हो, हम लोग जीतना चाहते हैं। तो यानी कि इस टाइप से जब इच्छा बताना हो या फिर कामना बताना हो तो हम यूज करेंगे वांट का। और जैसा कि आपने जाना कि ये मेन वर्ब है, तो कोई भी मेन वर्ब होता है तो जब सिंपल में बनता है यानी कि अफर्मेटिव में बनता है तो वहाँ पे V1 और V5 यूज होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन होता है यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन रहेगा तो वहाँ पे जो है कि हमें कोई भी मेन वर्ब एक वचन करना होगा। तो कोई भी मेन वर्ब एक वचन कैसे करते हैं, या तो यस लगा करके, या तो ई एस लगा करके, या तो आई ई एस लगा करके। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या तो वांट लगाइए या तो वांट्स लगाइए। फिर जो है कि टू लगाइए, इसके बाद जो है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अब जैसे कि मैं अगर बोलना चाहूँ, मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट, हम सोना चाहते हैं, वी वांट टू स्लीप, वे दौड़ना चाहता है, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो ही वांट्स टू रन, हम लोग खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले, वी वांट टू गो, दे वांट टू कम, सी वांट्स टू रन, सी वांट्स टू रीड, ही वांट्स टू स्लीप, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि वांट है। और ये ज़्यादातर लोग यूज करते हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि एक दूसरे से वार्तालाप करते हो, उस सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है। जब यानी कि आप इच्छा बताते हो या फिर कामना बताते हो तो उस टाइम पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का लिखा था, अब इसी प्रकार का आपका नेगेटिव भी है, सब्जेक्ट और डू डज। जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि कोई भी मेन वर्ब जब शुरू होता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब जब शुरू होता है तो उसका प्रेजेंट में निगेटिव बनाने के लिए डू और डज आता है। अगर इसी का पास्ट में निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे डिड आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि डू के हमारे तीन रूप होते हैं, डू डज डिड, क्लियर। तो हमारा प्रेजेंट में दो चलता है, डू डज। अगर कोई भी मेन वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाए, अब उसका निगेटिव बनाना हो तो हमेशा और हमेशा आप ये माइंड में क्लिक कर लीजिए कि आप डू डज के साथ ही निगेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका इंटरोगेटिव जो है कि डब्ल्यू एच वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ रखना हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको बोलता हूँ, जैसे ही डज नॉट वांट टू रीड, यानी कि वह पढ़ना नहीं चाहते, इस टाइप से जब बोलना पड़े। ही डज नॉट वांट टू ईट, यू डू नॉट वांट टू रन, आप दौड़ना नहीं चाहते हो। I do not want to teach, you do not want to read, इस टाइप से जब आप बोलेंगे तो आप बखूबी इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इसे आप कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस आपको करना है पूरे सब्जेक्ट के साथ और डू डज के साथ। अगर हेल्पिंग वर्ब यानी यूज करते हैं तो जैसे ही डज, ही डज, ही डज, सी डज, सी डज, सी डज, इट डज, इट डज, इट डज, आई डू, आई डू, आई डू, आई डू, आई डू, आई डू, वी डू, वी डू, वी डू, वी डू, वी डू, यू डू, यू डू, यू डू, यू डू, दे डू, दे डू, दे डू, दे डू, दे डू। इसको आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये अपने आप जो है कि जुबान पे आने लगे। अगर हम आई बोले तो वहाँ पे डू ही निकले, अगर ही बोले तो वहाँ पे डज ही निकले। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।